सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। मयूर कुकुर मृद महाशक्ति धरे नगे
कौमारीरूपसंस्थाने नारायणे नमोऽस्तुते शङ्खचक्र गदाचारगृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवीरूपे नारायणे नमोऽस्तुते गृहीतोऽग्र महाचक्र दशोदशवसुन्दरे वराहरूपिणि शिवे नारायणे नमोऽस्तुते नृसिंहरूपे नोग्रेण हन्तुं दैत्याङ्गोत्तमे त्रैलोक्यत्रानुसृते नारायणे नमोऽस्तुते किरीटिनि महावज्रे सहस्रणयनोज्ज्वले वृत्रप्राणहरे चन्द्रे नारायणे नमोऽस्तुते शिवदूते स्वरूपेण हतने च महाबले घोररूपे महारावे नारायणे नमोऽस्तुते दशाकरालवदने शिरोमालाविभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणे नमोऽस्तुते लक्ष्मीलज्जे महाविद्ये क्षत्रे पुष्टि सुधे ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणे नमोऽस्तुते मेधे सरस्वती भरे भूतिलाभ्रभितामले नियते त्वं प्रसीदेशे नारायणे नमोऽस्तुते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्राहिनो देवि दुर्गे देवि नमोऽस्तुते एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनं त्रयभूषितं पातु नः सर्ववीतिभ्यः कात्यायनि नमोऽस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रम् अशेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातनो वेदर्भद्रकाली नमोऽस्तुते हिरासीदत्तशीलासीस्वनेलापूर्यराजगत् सा झण्डा पातु नो देवी पापेभ्यो नासुलादिव अर्जनादृग्मसा पङ्कजतिलशैकलोज्ज्वलः शुभाय खड्गो भवतु चण्डिकेतान्नदाभयम् रोगानशेषलभः सिदुष्टात् हृष्टादु कामान् सकलानविष्टात् कामाश्रितानाम् न विपन्नानाम् कामाश्रिताया क्षयताम् प्रयाते शास्त्रेषु वाक्येषु जगादधन्य नवजगति महान्धकाले विभ्रामयते करदेवमिष रक्षांसि यत्रोघर्षासनाघ यत्कारयोदस्य बलानि यत्र दामानलो यत्र दधाति मध्ये तत्र सिद्धात्म परिपासि विश्वम् विश्वेश्वरितम् परिपासि विश्वम् विश्वात्मिकाधारयसीति विश्वम् विश्वेशबन्ध्या भवति भवन्त विश्वाश्रयाये त्वयि भक्तिनम्रः देवी प्रसीद परिपालय नोरभीत नित्यं यथा सुरमधा तरुणैव सत्यः पापानि सर्वजगता परमाणयाग उत्पादपाकललितास्य महोपसर्ग प्रणताणां प्रसीदत्वं देवी विश्वातिहारिणे त्रैलोक्यवासिनामिते लोकानां वरदा भव देभ्यो भाज वरदाहं सरगण परं जगमलचङ्गत सवृणन्तं प्रयच्छामि जगतामवकारक देवालोच सर्वाबाधा प्रचलनं त्रैलोक्यस्वाखिलेश्वरे एवमेव त्वया कार्यम् अस्वदैरिविनाशनम् देभ्यो भाज वैवत्सलन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतिमे युगे शुम्भविशुम्भजयवाच पुष्पश्रेते महासुर नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्वसम्भव तदस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचलनिवासिने
పుణలప్యేణ పృథివీతన అవతీర్యహరిక్షామి వైపులితాసుదానవాన్ వక్షయంతాచుతానుగ్రాన్ వైపులితామహాసురాన్ రక్తాదంతావరిష్యంతి దాడమేకృతమాపమాః తదో మా దేవతా స్వర్గే మర్త్యలోకే చ మానవాః సువంతో వ్యాహరిష్యంతి తదరక్తదంతికాన్ భూయశ్చామృక్షామణే మునిక్షిష్యామిలోకం ఆత్మదేహ సమన్వే భరిష్యామి సురాజాగైరావృష్టే ప్రాణధారకై శాకంబలే విఖ్యాతిహం భవే త్రైవ గవలక్ష్యామి దుర్గమాఖ్యం మహాసుర దుర్గాదేవీ విఖ్యాతం ధర్మే నామే పునర్జాహం జీవం రిమాజల రక్షాదేవ్యామి మునిర్లాత్రణ తదా మామునిహాసం జానం ప్రమూర్త భీమాదేవీ వ్యక్ష్యాతం ధర్మే నామే జలారుణాక్షైలోకే మహాబాధాం గలేశ్వరే తదహం భ్రమరం రూపం కృత్వా సంశయ షడ్ఫలం త్రైలోక్యశైలార్థాయ వదిష్యామి మహాసుర భామరే చేలోకా తదా శోషంతి సర్వతః ఇత్థం యదా యదా బాధ దానవోత్థా భవిష్యతే తదా తదా వదీర్యాహం శ్రేక్ష్యామి సంశయ सायंकालीन आरती की इस पवित्र वेला में आप सब भक्तों का माँ भगवती के दरबार में अभिनंदन, आप सबका हार्दिक स्वागत। इस समय विश्व के कल्याण के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। विश्व के कल्याण में ही हम सबका कल्याण है। इस समय वैदिक मंत्रों द्वारा षोडशोपचार से विधिवत इस दिवगुहा के अंदर माँ भगवती की पूजा, माँ की अर्चना की जा रही है। ऐसी मान्यता है कि जब माँ भगवती की पूजा होती, पूजा के समय समस्त देवतागण भी करवत माँ भगवती की स्तुति करते हैं। आरती के इस पवित्र वेला में जो ही भक्तजन भक्ति भाव से एकाग्रजित होकर के विशुद्ध मन से माँ भगवती का ध्यान करते हैं, माँ का नाम स्मरण करते हैं, माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ भगवती प्रसन्नता पूर्वक उन भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन्हें वरदान देती हैं। आप सभी भक्तजन माँ भगवती के दरबार में विराजमान हैं। आप जो लक्ष्य लेकर घर से चले हैं, उसी लक्ष्य पर अपना ध्यान केंद्रित कर करके भक्ति भाव से माँ भगवती के चरणों का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करें। माँ भगवती आप आए हुए शरणार्थ भक्तों की प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके आपको आशीर्वाद दें, आपकी मनोकामना को, आपके मनोरथों को पूर्ण करें। ये आरती की वेला है, बड़ी उत्तम वेला है। इस पवित्र वेला में की भगवती की आराधना, अर्चना, पुण्य कर्म, माँ भगवती की स्तुति, इसका अक्षय फल होते हैं। विद्वानों द्वारा आपके कल्याण के लिए, आपके सुख समृद्धि के लिए, आपका अवधि के लिए, आपकी उन्नति के लिए, आपकी दीर्घायु के लिए स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति की जा रही है। यह स्तोत्र वास्तव में परम कल्याणकारी ही, सुख शांति, सुख समृद्धि को देने वाले ही, धन धन की वृद्धि करने वाले ही। जो ही भक्तजन भक्ति पूर्वक इन स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति करते हैं, माँ की कृपा से, माँ के आशीर्वाद से उन भक्तजनों के जीवन में सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि रहती है। वह भक्तजन, वह साधक जन माँ के आशीर्वाद से जहाँ जहाँ जाते हैं, वहाँ वहाँ उन्हें कार्य में सिद्धि प्राप्त होती है, धन लाभ होते हैं, उनका यश, उनका मान, उनकी कीर्ति बढ़ती है, वह आरोग्यता को प्राप्त होते हैं, दीर्घायु को प्राप्त होते हैं, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, वह पूर्ण आयु का भोग करते हुए, धर्म के मार्ग पर चलते हुए, धर्मानुकूल कर्म करते हुए, इस माँ जगजननी, माँ जगदम्बा की आराधना अर्चना करते हुए परम कल्याण को प्राप्त होते हैं। आप सभी अपना ध्यान माँ के चरण में ले जाइए,
और भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के विशुद्ध मन से इस स्तोत्रों द्वारा माँ भगवती की स्तुति कीजिए। माँ भगवती आप शरणा भक्तों का कल्याण करें, आप सबका मंगल करें। धन ओ धर्म सब प्रभावते राज्य
आगोनितो बाबादेनादिताप्रोदे महानवे पदासुजाभिधस्रेजो संग्रामे मृषधारुणे सर्वाबाधासुघोराजो वेदनाभर्तिलोभिवा समर्ममैतचरितौ नरो मुञ्चेदसङ्कटात् मम प्रभावा सिंहाजारस्य वो वैरिणस्तदा धूरादेव पलायन्ते स्वरसञ्चलितं नमः ऋषभाद इत्युक्त्वा सा भगवती चण्डिका चण्डविक्रम पश्यतामेव देवानां तत्रैवान्तरधीयत एवि देवानिरातङ्कः साधिकाराण्यथा पुरा यज्ञभागभुजा सर्वे चक्रविनिहतार्यः यद्याचरेभ्यः निहते शुम्भे देवलिपायते यवनविद्धस्मै महो क्रेतुलविक्रमे निशुम्भे च महावीर्ये शेषां पातालमायय एवं भगवते देवे सानित्यापि पुनः पुनः सम्भूय कुरुते भूपायन्तः परिपालनम् तये सम्भूयते विश्वं सैव विश्वं प्रदूयते सा जाचिता च विज्ञानं तुष्टारुद्धे प्रयच्छते व्याप्तं दयत सकलं ब्रह्माणं मनुजेश्वर महाकाले महाकाले महामारे सर्वमया सैवकाले महामारे सैवश्रेष्ठैर्भवत्र सिरङ्करादि भूतानां सैवकाले सनातने भवकाले नृणां सेवा लक्ष्मे विद्ये पदाग्रे सेवा भावे तदा लक्ष्मे विनाशायोपजायते सुधा सम्पूजिता पुष्पे धूपगन्धादिवित्तदा ददातिवित्तं पुत्रा च मतिं धर्मे गतिं शुभा सिद्धकुञ्जिका स्तोत्र शिववाच श्रुणो देवी प्रवक्ष्यामि कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् येन मन्त्रप्रभावेण चण्डी जापः शुभो भवेत् न कवचं नागला स्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सुखं नाभिधानं च नान्यासुमजवाचनम् कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत् अधिकोयन्तरं देवी देवानामविदुर्लभम् गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयानेरिव पार्वते वारणमोहणवश्यं सम्पणौ चाटनादिकम् पाणमात्रेण संसिद्धे कुञ्जिका स्वर्थमुत्तमम् ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विश्वे ॐ क्लों हुं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्छे ज्वलहं सरलं शम्भस्वः नमस्ते रुद्ररूपिण्ये नमस्ते मधुवर्धने नमः केटवहारिण्ये नमस्ते वैशासने नमस्ते शुम्भरन्त्रिशुम्भासुरघातिने जाग्रतं हि महादेवे जपं सिद्धं कुरुत्व मे ह्यङ्कारे शिष्यरूपाये ह्यङ्कारे प्रतिपादिका ह्रीङ्कारे कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोऽस्तुते चामुण्डा चण्डघातीय ह्यङ्कारे वरदायिने विन्दे जामयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणे ध्यां ह्रीं ध्वं धौयटे पद्मे वां भीं भूभगधीश्वरे ग्रां ह्रीं ह्रों कालिका देवे ङ्कारूपिण्ये जं झं 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 प्रणादिने ह्रां ह्रीं ह्रौं भैरवीमस्य भवाने नमो नमः अङ्गं चं तं तं पञ्जं शं ह्रीं ह्रौं ऐं ह्रीं हंसं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोटय त्रोटय ज्येष्ठं कुर कुर पार्वती पूर्ण ख्रीं सौं केसरी तथा श्रां श्रीं सौं सप्तिरतिलभ्य मन्त्रसिद्धं परश्व मे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रया कर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोभृतं रक्ष पार्वते यस्य कुञ्जिकया देवे हीनां क्षत्रियदे पठेत् ज्ञातस्य जायते सिद्धे
अथ दुर्गा पद्मराष्टक नमस्ते शरण्ये शिवेशानुकम्पे नमस्ते जगद्व्यापिके विश्वरूपे नमस्ते जगन्मध्यपादारविन्दे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहिदुर्गे नमस्ते जगदन्त्यमानस्वरूपे नमस्ते महायोगिविज्ञानरूपे नमस्ते नमस्ते सदानन्दरूपे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहिदुर्गे अनाथस्य दीनस्य भजनातुरस्य भयातस्य भीतस्य बद्धस्यन्तो त्वमेकागतिर्देविसारगत्रे नमस्ते जगत्तारिणीत्राहिदुर्गे अरण्ये Yeah.
Yeah.
सच्चिदानंद विग्रहे शब्द मनोर्थ पूर्ण करण वाली माता तेरी सदा ही जय। सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। कभी ओम शब्द का नाद होगा, तीन बार ओम का उच्चारण किया जाएगा। आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से हृदय से बाहर निकालते लंबे स्वर से सभी ओम का पाठ करेंगे। माँ से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माँ, इन स्तोत्रों द्वारा, इन मंत्रों द्वारा जो आपकी स्तुति की गई है, इसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करो और हम भक्तों का वरदान दो, हम भक्तों का कल्याण करो। सभी भक्ति भाव से माँ से प्रार्थना करते हुए ध्यान मुद्रा में तीन बार सभी एक साथ ओम का पाठ करेंगे। सो समय आप भक्तों को जो प्राप्त हुआ है, इसमें जगजननी जगत माता के दरबार में आकर के आरती की इस पवित्र वेला में माँ के चरण बैठ करके माँ भगवती की आराधना करने का पुण्य अर्जित करने का, इस जगजननी जगत माता की विशेष कृपा प्राप्त करने का आप भक्तों को सौभाग्य प्राप्त हुए हैं। इस समय गुप्त नवरात्र चल रहे हैं, माघ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के नौमी पर्यंत जो है, नौ दिन जो है, ये गुप्त नवरात्र होते हैं। आज गुप्त नवरात्र का पंचम नवरात्र है और माँ भगवती के जो नौ रूप हैं, और नौ रूपों में माँ भगवती का पांचवा रूप जो है, ये स्कंद माता का है। दूसरा आज जो है बसंत पंचमी है, बड़ा ही एक उत्तम दिन है, एक उत्तम योग ऐसा बना हुआ है जिसमें इस देवी की कृपा से आप भक्तों को इस आरती की पवित्र वेला में इस तपस्थली पर बैठ करके माँ भगवत की आराधना करने का, पुण्य अर्जित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। साधक जब भी कोई शुभ कार्य करने के लिए विचार करता है तो सबसे पहले वह देखता है कि मुहूर्त, समय का विचार करता है, स्थान का विचार करता है, कहाँ जाकर के मैं जो है शुभ कर्म करूं जिससे मेरे कष्ट, मेरे दुख जो है वह दूर हो, मेरा कल्याण हो। और कई बार देव कृपा ऐसी हो जाती है कि साधु को पता नहीं होता कि इस प्रकार से ऐसे पवित्र स्थान पर जाकर के उससे कोई ऐसा शुभ कर्म हो जाता है जिसका अक्षय फल होता है, पुण्य की कभी नाश नहीं होता। तो यह सौभाग्य जो है बिना देवी की प्राप्त नहीं होता, माँ की कृपा होती ही तो माँ ऐसी प्रेरणा देती है हृदय में कि हम कुछ सत्कर्म करें, भगवान की आराधना करें, माँ के दरबार में चले, माँ के दर्शन करें, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें।
वे बुलाती है, बुलावे के बिना जहां पर कोई आ नहीं सकता और उसकी कृपा के बिना जहां पर कोई बैठ नहीं सकता। बुलाती है, चरण बैठाती है और जिनका ये कल्याण करना चाहती है उन्हें को बुलाती है, आशीर्वाद देती है और जिसके आशीर्वाद से उन भक्तों की सभी मनोवलक्षित कामना जो है पूर्ण करती है और सब भक्तों का मंगल मंगल होता है। तो पांचवा स्वरूप में आपको बतला रहा था मां का जो है स्कंद माता का ही। आज के दिन साधक जन जो है जो भगवती की साधना करते हैं, क्योंकि ये चार नवरात्र बतलाएंगे वर्ष में, दो तो गुप्त नवरात्र होते हैं, दो प्राय जो शारदीय नवरात्र एवं ग्रीष्म नवरात्र में मां की विशेष पूजा आराधना अर्चना करते हैं, और दो गुप्त नवरात्र होते हैं, एक तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष में, दूसरा जो है ये माघ शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से लेकर नौवीं पर्यंत जो है। और ये जो गुप्त नवरात्र जो है ये माघ शुक्ल पक्ष का नवरात्र और आषाढ़ शुक्ल पक्ष का नवरात्र जो है दक्षिण भारत में, इन नवरात्रों में मां की विशेष पूजा शक्ति की उपासना की जाती है। तो भगवती के ये विशेष दिन होते हैं, इनमें क्यों भगवान की इस भगवती की विशेष पूजा आराधना जो विशेष शक्ति पूजन शक्ति संवर्धन शक्ति संचक दिन होते हैं, जिसमें जो ही किया हुआ जप पाठ स्नान दान माँ की आराधना जो है माँ का पूजन इसका अक्षय फल होता है, अनंत गुणा फल होता है। और फिर इस प्रकार से मां के दरबार में आकर के ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो जाए, ऐसी पर पवित्र वेला में मां के चरण में बैठ करके पुण्य अर्जित करने का, तो इसका पुण्य का जो है अक्षय फल होता है, इस पुण्य का कभी नाश नहीं होता। कहते कि जिस समय मां सती ने अपने पिता प्रयपदश के यज्ञ में अपना देह त्याग दिया और भगवान शिव जो थे समाधिस्थ हो गए, उसके बाद तारकासुर हुआ है। तारका नाम का असुर जो है जो ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा था, और उसका तप करने का उद्देश्य ये था कि देवताओं को पराजित करना, समस्त देवताओं को पराजित करना और त्रिलोकी का राज्य प्राप्त करना जिसका उद्देश्य था। भगवान शिव जिस समाधि से होकर सती ने देह त्याग दिया और तारकासुर ने ऐसी तपस्या की, घोर तपस्या की, जिसकी तपस्या से जो है ब्रह्मा प्रसन्न हो गए और उसे वरदान देने के लिए उसके सामने साक्षात उपस्थित हो गए। तारकासुर से कहा कि असुर आपकी तपस्या से मैं प्रसन्न हूं, ब्रह्म रोही आपकी जो इच्छा हो मुझसे वरदान प्राप्त कर सकते हैं। तारकासुर कई वर्षों से तप कर रहा था, आज ब्रह्मा के दर्शन हुए बड़ा प्रसन्न हुआ। कहते उस समय तारकासुर ने ब्रह्मा जी के चरणों दंडवत प्रणाम किया और फिर खड़े होकर के ब्रह्मा की स्तुति की दोनों हाथ जोड़ करके और कहा कि ब्रह्मदेव आप तो सब जानते हैं, फिर भी यदि आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो मुझे जो है ऐसा वरदान दीजिए कि युद्ध क्षेत्र में मुझे कोई पराजित न कर सके, कोई भी देवी देवता जो है अर्थात मेरी मृत्यु ना हो, मैं अजर अमर हो जाऊं। ब्रह्मा कहते हैं कि समय आने पर जो है मुझे भी जाना पड़ता है, इसलिए सृष्टि पर जो है जो निजम है जिसका जन्म है उसका मरण जो है वह निश्चित है, इसलिए आप सोच विचार करके वरदान मांगी। तो उसने कहा कि ठीक है। उस असुर ने कहा कि मुझे कोई देवी देवता युद्ध में पराजित न कर सके और यदि कोई मुझे मार सके तो भगवान शिव का और सुपुत्र, भगवान शिव का पुत्री मुझे मार सकते हैं और कोई दूसरा नहीं, क्योंकि असुर जानता था कि सती जो ही देह त्याग चुकी है और भगवान शिव तो समाधि से हैं, समाधि में बैठे हुए, समाधि लगाए बैठे हुए हैं, भगवान शिव का पुत्र होगा नहीं और मेरी मृत्यु नहीं होगी ऐसा। तब जो है जब जी वरदान मांगा तो ब्रह्मा ने कहा कि तथास्तु ऐसा ही होगा, भगवान शिव का और उस पुत्र जो है उसके हाथों द्वारा तेरी मृत्यु होगी। जो
भर दिया, ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। अब जो है ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए, उसके बाद जो है असुर विचार करने लगा कि मैंने ब्रह्मा को ठग लिया। ब्रह्मा को जो ध्यान नहीं रहा कि भगवान शिव जो समाधि से और सती जो देह त्याग चुकी है, उनके पुत्र होगा कहां से, और जो है अब मुझे कोई मार नहीं सकता, अब मैंने ब्रह्मा को तो ठग लिया और कोई भी देवता मुझे पराजित नहीं कर सकता क्योंकि मुझे वरदान प्राप्त है, अब तो मैं त्रिलोकी से समस्त देवताओं को निकाल दूंगा, त्रिलोकी का राज्य मेरा होगा। कहते कि उस समय उस तारकासुर ने जो है देवताओं के साथ युद्ध किया, सबको पराजित कर करके स्वर्ग लोक से निकाल दिया। उस संकट काल में सभी देवगण एकत्रित हुए और विचार करने लगे अब क्या करें, कहां जाएं, इसको तो ब्रह्मा ने वरदान दे दिया, अब शिव के पुत्र होगा कैसे, और ऐसा संकट आया। कहते हो कि संकट काल में सभी देवगण एकत्रित होकर के भगवान विष्णु के पास गए और जाकर के अपना कष्ट अपना दुख उनको सुनाया। बड़े दुखी थे क्योंकि सब कुछ लुट चुका था, देवताओं का राज्य हो गया। अब जो है दुखी देवता जब भगवान विष्णु से उन्हें प्रार्थना की अब क्या करें कहां जाएं, हमारा कोई मार्गदर्शन कीजिए, तो समय भगवान विष्णु ने उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा, वह भगवती आदि शक्ति मां शिवा कहीं सोई नहीं हुई, उसने जो हमारी उपेक्षा की है अवश्य हमारा कहीं ना कोई कोई अपराध है जी, जो कुछ भी हमारे साथ हुआ है ये हमें शिक्षा देने के लिए हुआ है। यदि मां ने मुंह फेर लिया है, हमारी उपेक्षा की है, तो उसके कारण ये कहीं ना कहीं हमसे कोई अपराध हुआ है, क्योंकि हमसे तो पुत्र से दो है, पद पद पर जो है अपराध होते हैं, परंतु एक मां ही कैसी होती है जो उन अपराधों को सहन करने और क्षमा करने की जिसमें शक्ति होती है, मां। पुत्र कितने अपराध करता है परंतु मां उसे क्षमा करती है। रात को बेटा जो है विश्व पर जो है मलमूत्र भी त्याग देते हैं, परंतु माँ जो है उसको साफ सुथरा कर करके सुखी विश्व सुलाती है, स्वयं भले ही गीले विश्व हो जाए परंतु पुत्र को कभी कष्ट होने नहीं देती। परंतु यदि माँ जो है बच्चे को दंडित करती है, उस दंड में भी जो है बच्चे का कल्याण निहित होता है। माँ कभी अपने बच्चों का बुरा सोचती नहीं। आप देखते कभी बच्चा बीमार हो जाता है तो मां उसको दवाई पिलाती है, दवाई बड़ी कड़वी होती है। बच्चा पीता नहीं, जो कैसी मां है कड़वी दवाई पिलाता है, जो कड़वी दवाई मुझे पिला रही है, पीता नहीं है तो मां उसको पकड़ लेती है, हाथ पांव मारता है तो उसके हाथ भी जो है और पैर भी दोनों पकड़ करके मुंह ऐसा खोलती है और नाक से पकड़ करके दवाई जब तक अंदर नहीं जाएगी तब तक वो छोड़ेगी नहीं। बच्चे को बड़ा क्रोध होता है, कैसी मां है, कैसे जो है मुझे जबरदस्ती जो है कड़वी दवाई पिलाती है, परंतु उसे बुखार है, कष्ट है, कष्ट दूर हो जाता है फिर उसे होश आती है, माँ ने अच्छा किया मैं ठीक हो गया तंदुरुस्त हो गया। तो इसलिए माँ यदि दंड भी दे तो उसमें उसके बच्चे का कल्याण निहित होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि जो हमारी जो दुर्दशा हुई है इसमें अवश्य हमारा कोई अपराध है, तो माँ शिवा कहीं सोई नहीं है, वह आदि शक्ति जो है वह बच्चों के अपने बच्चों की रक्षा करती है। इसलिए इस समय आप सभी एकत्रित होकर के हिमालय पर चलिए और वहीं जाकर के माँ की आराधना कीजिए, माँ को प्रसन्न कीजिए, माँ से क्षमा प्रार्थना कीजिए, वह प्रसन्न होगी तो हमारे कष्ट हमारे दुख दूर हो जाएंगे। तो समय भगवान विष्णु के मार्गदर्शन करने पर सभी देवगण एकत्रित होकर के हिमालय पर गए और वहां सभी जो है एकत्रित होकर के माँ भगवती महामाया की इस जगजन्य आदि शक्ति की उपासना करने लगे, माया बीज का जप करने लगे। इस प्रकार से उस समय तक जो है देवताओं ने माँ की आराधना की, तप किया, प्रार्थना की, और देवताओं की प्रार्थना से देवताओं की भक्ति से माँ प्रसन्न हुई। कहते हैं कि जब मां प्रसन्न हुई तो जहां पर देवगण जो है मां की आराधना कर रहे, तप कर रहे थे, भक्ति कर रहे थे, तो वहीं देवताओं के बीच में ही एक तेज प्रकट हुआ। ऐसा तेज जो है जिसे देखते देवताओं के नेत्र भी जो है बंद हो गए, और जब उन्होंने अपने नेत्र खोल लिए तो वह तेज जो था एक नारी के रूप में परिणत हुआ।
जिसके सब देवताओं ने पूजा की, वही भगवती जो थी माँ वैष्णवी कहलाई और सभी देवताओं ने जो है उसकी पूजा की। वह भगवती आदिशक्ति जब उनके सामने प्रकट हुई, सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की, प्रार्थना की, तब माँ ने कहा कि आपकी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, कही क्या चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि तारकासुर जो है वो हमारा शत्रु है, उससे हम दुखी हैं, उसने हमें स्वर्ग लोक से निकाल दिया है, अब जो है इधर उधर कंदरा में जो है कालक्षेप कर रहे हैं, हम बड़े कष्ट में हैं, माँ हमें जो है इस कष्ट से दुख से हमें मुक्ति दिलाइए, हम पर कृपा कीजिए। तब माँ ने उन्हें कहा कि आप भयभीत मत हुई, भय छोड़िए और मेरी शक्ति माँ महागौरी जो है मेरे ही अंश से जो है प्रकट होकर के वह जो ही हिमालय के घर में उत्पन्न होगी, मेरे ही अंश जो है हिमालय के घर में जो है माँ गौरी जो उसका प्रादुर्भाव होगा और आप जो भगवान शिव का उसका विवाह करवा देना और उससे जो पुत्र होगा जिसका नाम कार्तिकेय होगा, वह कार्तिकेय जो है देवताओं का सेनापति होगा और उसी के द्वारा जो तारकासुर मारा जाएगा, आपका कष्ट आपका दुख जो है दूर हो जाएगा। तब जो है माँ ने उन्हें वरदान दिया, आशीर्वाद दिया और देवताओं ने भी माँ से प्रार्थना की, माँ हम जब जब भी आपका स्मरण करें हमारे कष्टों को हमारे दुखों को दूर करना और मृत्यु लोक में जो भी भक्तजन श्रद्धा से धोकर के आपकी आराधना करें, आपसे प्रार्थना करें, उनके प्रार्थनाओं को स्वीकार कर करके उन भक्तों के कष्टों को उनके दुखों को दूर करना। तो माँ ने देवताओं को वरदान दिया, वरदान दे करके अंतर ध्यान होगी। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो कालांतर जो कुछ समय के उपरांत जो है जय भगवती आदि शक्ति जो थी वह हिमालय के घर में पुत्र के रूप में उत्पन्न हुई, जो माँ पार्वती के नाम से महागौरी के नाम से अन्य नाम से विख्यात हुए और उन्हें तब कर करके जो इस प्रकार से भी देवता एकत्रित हुए और सबने मिल करके उसका विवाह भगवान शिव के साथ किया और भगवान शिव के साथ विवाह हुआ तो उनके जो संतान हुई वह हुई कार्तिकेय। कार्तिकेय जो है वह और वह देवताओं के सेनापति हुए और वह सेनापति होकर के जो है उसका युद्ध जो है तारकासुर के साथ हुआ और तारकासुर जो है वह कार्तिकेय के द्वारा जो है वह मृत्यु को प्राप्त हुआ और देवताओं का कष्ट जो था वह दूर हो गया। बोलो सच्चे दरबार की जय। तो इसलिए आज के दिन जो है भक्तजन भाव भगवती जो है स्कंद माता का ध्यान कर, स्कंद माता क्या है कि कार्तिकेय भगवान कार्तिकेय जो है उसकी माता होने के कारण से जय पंचम रूप जो है माँ स्कंद माता, स्कंद माता के नाम से विख्यात हुई। स्कंद माता का जो स्वरूप है इसकी चार भुजा है, दो हाथों में जो है इनके कमल पुष्प है, एक हाथ में जो दाएं हाथ में जो है भगवान स्कंद को जो है अपनी गोदी में लिए हुए गोदी में बैठाए हुए हैं और एक हाथ जो इनका बर मुद्रा है, सिंह पर विराजमान है और जो पद्मासन है कमल पुष्प पर भी जो विराजमान रहते हैं इसलिए इनको पद्मासन भी कहा गया है। तो इसलिए ये बड़ा एक विशेष दिन है और फिर आज बसंत पंचमी भी, तो बसंत पंचमी जो है जब विशेष करके आज के दिन जब माँ सरस्वती वेश पूजा आराधना जो की जाती है क्योंकि माँ सरस्वती जो विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है, भगवती माँ सरस्वती विद्या बुद्धि ज्ञान और वाणी की अधिष्ठात्री देवी हैं तथा शास्त्र ज्ञान को देने वाली हैं। भगवती शारदा का जो मूल स्थान जो है शशांक सदन अर्थात अमृतमय प्रकाश पुंज है जहाँ से वे अपने उपासकों को के लिए जो है निरंतर 50 अक्षों के रूप में जो है ज्ञान अमृत की धारा प्रवाहित करती है। इसलिए आज के दिन जो है माँ सरस्वती विशेष पूजा आराधना की जाती है और कहते हैं कि सृष्टि काल में जिस समय सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ था तो सृष्टि काल में ईश्वर की इच्छा से उस परमपिता परमात्मा की इच्छा से जो है माँ भगवती आदि शक्ति ने जो है अपने आप को 5 भागों में विभक्त किया था और ऐसी मान्यता है कि भगवान के शरीर से ही ये 5 भागों में विभक्त हुई थी। तो कंठ से जो है माँ सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ था तो वे 5 रूप जो थे मैं भगवती के जो है वे क्या थे, वह भगवती जो है 5 रूपों में जी भगवती जो है उत्पन्न हुई और इस प्रकार से जो 5 रूप जो थे वे माँ भगवती के इस प्रकार से थे कि पहला रूप राधा का था,
माँ राधा, दूसरी पद्मा, तीसरी सावित्री, चौथी माँ दुर्गा, पांचवी माँ सरस्वती। जो पांच रूपों में जो है जी भगवान के ही शरीर से इनका जो है इनका प्रादुर्भाव हुआ था। और दूसरा जैविक कथा में जो मिलती है कि माँ भगवती आदि शक्ति ने अपने आप को पांच भागों में व्यक्त किया था। जो पांच रूप जो भगवती के जे थे, राधा, पद्मा, सावित्री, दुर्गा और माँ सरस्वती। श्रीमद देवी भागवत में और दुर्गा सरस्वती में ये कथा मिलती है कि भगवती आदि शक्ति ने अपने आप को तीन भागों में विभक्त किया था। वो क्या रूप है? महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती, जिसके दरबार में आप बैठी हुई। जो वही भगवती का जो स्वरूप है, जो तीन रूप में जहां पर भगवती माँ का जो मूल आधार आदि शक्ति का वह एक है, ऊपर आकर तीन रूप में परिणत हुई है और तीनों शक्तियां वर्णन दुर्गा सरस्वती में है श्रीमद देवी भागवत में। और तीनों की आराधना जो की जाती है, भक्त जन माँ के दरबार में आते हैं, तीनों माताओं का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, दुर्गा सरस्वती के द्वारा जो है माँ को प्रसन्न करते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, उन्हें तीनों देवियों का आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस आशीर्वाद से जो है वह भक्त जन जो है वह परम कल्याण को प्राप्त होते हैं, उनके जीवन सदा सर्वदा रिद्धि सिद्धि बन जाती है। इसलिए माँ सरस्वती जो ही सत्व गुण संपन्न है, इनके अनेक नाम है। उन नामों का भक्तजन जो स्मरण करते भगवती की उपासना करते हैं, आज के दिन जो ही मैंने प्रातःकाल बतलाया था, इनके मंत्र बतलाए थे, इन मंत्रों के द्वारा महा भगवती की साधु को उपासना करनी चाहिए। विशेष करके जो विद्यार्थी हैं, सभी को ज्ञान की आवश्यकता होती है। जब बुद्धि जब जब भी किसी का अनिष्ट हुआ है तो बुद्धि के विकृत होने के कारण से हुआ है। जिसका ज्ञान, जिसकी बुद्धि ठीक निर्णय करती है, उसके जीवन कभी को अनिष्ट नहीं होता, कभी उसका अमंगल नहीं होता। तो ज्ञान को देने वाली, बुद्धि को देने वाली, विवेक को देने वाली माँ सरस्वती ही। और ज्ञान जो है, ज्ञान रूपी एक ऐसा धन है कि जो सबसे श्रेष्ठ धन बतलाया गया है विद्या। इसलिए कहा गया है कि बच्चों को जितना आप ज्ञानवान बना सके उन्हें ज्ञानवान बनाइए, खूब विद्या दिलाइए। आपको उनके लिए धन संपत्ति इकट्ठी करने की जरूरत नहीं, आप जो है उनको ज्ञानवान बनाइए। वह ज्ञानवान होंगे तो धन उसके पीछे पीछे चलेगा, जरूरत ही नहीं। जो विद्वान होते हैं, विद्वत्वंच निवत्वंच नेवतुल्य कदाचन, स्वदेशे पूज्यते राजा, विद्वान सर्वत्र पूज्यते। विद्वान और राजा की तुलना करते हुए कहा गया है स्वदेशे पूज्यते राजा, राजा तो अपने देश में पूजा जाता है परंतु विद्वान सर्वत्र पूज्यते। जो ज्ञानवान व्यक्ति होगा, जिसका हुनर है, विद्या है, वह किसी भी किसी प्रदेश में चला जाएगा। जे विद्या धन ऐसा है जे वही जो है उसकी रक्षा करेगी, उसको कोई कष्ट होने नहीं देगी। और विद्या का ऐसा धन है जे जो है उठाकर के ले जाने की जरूरत नहीं, अपने आप साथ चलता है। इसको कोई चोर जो छीन भी नहीं सकता कि चोर जो आपसे विद्या आपकी छीन लेगा, ऐसा नहीं हो सकता। और विद्या को आप जितना बांटोगे, जितना इसका दान करोगे, उतनी जब वृद्धि को प्राप्त होती है, जब बढ़ती है। जितना इसका भय नहीं करोगे, इसको दान नहीं करोगे विद्या का जो है, तो जब घटती जाती है। इसलिए विद्या का ज्ञान बाण है तो जब प्रतिदिन अपने जीवन में जो बना लीजिए विद्या दान, महादान है। कि आधा घंटा, एक घंटा आपके पास जो ज्ञान है, आप छोटे छोटे बच्चों को अपना ज्ञान दीजिए। इस प्रकार से जे आज का दिन जो है विशेष बसंत पंचमी का दिन जो है, बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एवं गौतम नवरात्र के पंचम नवरात्र के शुभ अवसर पर आप सभी भक्तों को और सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं, बोध बधाई और माँ सरस्वती की ओर से सभी भक्तों को वर्धापन आशीर्वाद। माँ सरस्वती सब पर अपनी कृपा बनाए रखें और माँ की कृपा से सभी भक्त जन जो है सभी कल्याण को देखें, मंगल को देखें। बोला सच्चे दरबार की जय। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए निवेदन कर रहे श्री मनिंद्री जी माँ के चरणों में भजन प्रस्तुत करेंगे। माँ सरस्वती की वंदना ही, सरस्वती का स्मरण करेंगे आप सभी। माँ सरस्वती की आप पर, आपके परिवार पर कृपा बना रहे और माँ का आशीर्वाद आप पर हमेशा बना रहे। श्री मनिंद्र जी जयकारा शिरोमणि का, बोल सच्चे दरबार की जय। बोलिए सरस्वती माता जी जय। सुर की देवी सरस्वती माँ, सुर की देवी सरस्वती।
सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ माँ है अंधियारा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ है अंधियारा सुर का दीप जगा दे माँ सुर की देवी सरस्वती माँ ताली से भी हाथ खोल कर जिले ताली नहीं ताली के भाई माँ के दरबार तक पहुँचे एक बार सही भक्त जन अपने अपने हाथ ऊपर उठा कर सभी माँ के चरणों में अपने अपने हाजिर दीजिए हाथ सभियों पर माँ भगवती आप भक्तों की हाजिर स्वीकार करें आपके झोलिए भरे आपकी मुरादे पूरी करे आपका जीवन खुशियों से भर दे रीति न जानू गीत न जानू प्रीत मैं जानू चरणों की रीति न जानू गीत न जानू प्रीत न जानू प्रीति न जानो प्रीत न जानो प्रीति न जानो चरणों की प्रीत न जानो प्रीत न जानो प्रीत न जानो चरणों की मारीति न जानो गीत न जानो प्रीत न जानो चरणों की प्रीत न जानो गीत न जानो प्रीति न जानो चरणों की वो ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं सच्ची राह दिखा देना ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं सच्ची राह दिखा देना ज्ञान नहीं अज्ञानी हूँ मैं सच्ची राह दिखा देना है दयारा इस हृदय में ज्ञान का दीप जगा देना है दयारा इस हृदय में ज्ञान का दीप जगा देना पक्की भूल बना ले माँ तेरे चरण शरण आया हूँ पक्की भूल बना लेना ओ तेरे चरण शरण
शरण आया हूँ, पग की धूल बना देवा। तेरी चरण शरण आया हूँ, पग की धूल बना देना। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा देवा। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे। सुर का ज्ञान दिखा देना। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा देवा। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा देवा। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा देवा। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप तेरा ध्यान करूं माता। हाँ तेरे द्वार पे आया हूँ मैं, विद्या का तू वर देवा। तेरे द्वार पे आया हूँ मैं, विद्या का तू वर देवा। ओ तेरे द्वार पे आया हूँ मैं, विद्या का तू वर देवा। ओ तेरे द्वार पे आया हूँ मैं, विद्या का तू वर देवा। सुर का दीप जगा दे माँ। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। सुर की देवी सरस्वती माँ सुर का ज्ञान सिखा दे माँ। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ। है ये आरा इस हृदय में सुर का दीप जगा दे माँ। सरस्वती माता की जय। तो स्पष्ट कर सुरेश जी।
जयकारा मेरे शिरोमणि मैया जी का बोल सच्चे दरबार की जय बोली सरस्वती मैया की जय बिना रंजित पुस्तक हस्ते देवी हंस वाहिनी नमस्ते सरस्वती आदि भवानी सरस्वती है आद भवानी
सरस्वती गायन वादन नित्य तुम्हीं से हर रचना का सार तुम्हीं से गायन वादन नित्य तुम्हीं से हर रचना का सार तुम्हीं से गायन वादन नित्य तुम्हीं से हर रचना का सार तुम्हीं से गायन वादन पर नव स्वर दो कल्याणी सरस्वती आद भवानी सरस्वती आद भवानी सरस्वती आद भवानी सरस्वती आद भवानी सरस्वती जयकारा श्री राम वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जब जीवन में उलझन हो सूझे ना कोई राह तुझे ध्यान लगा कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर ऐ बंदे सब छोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे माँ की कृपा पर बंदे सब छोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे मोह माया के सारे बंधन तोड़ दे सास सास माँ के चरणों
Thank you.
दे दो हमारी कृपा पर है बंदे सब छोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे वो सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे सास सास माँ के चरणों से जोड़ दे शरण बोल सच्चे दरबार की जय उत्तप्त है मरुचि राम रविचंद्र भंगे नेत्रां धनो सरजुता कुशवाश सोल रम्येर भजे सुधते शिव शक्ति रूपां कामेश्री मृदवजा मृदेन्दुलेख सचिय ज्योता भाली माता तेरी सदा ही माँ भगवती की असीम अनुकंपा से आप भक्त जनों के सायंकाल की आरती में माँ के दरबार में सत्संग करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सताम सत्वी संग कथय पुण्यन भवति सत्संग का प्राप्त होना ये बड़े ही पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का फल होता है जिस प्रकार मनुष्य जीव को प्राप्त होता है। धन्यस्ते पुरुषा लोके ये अर्चन्ते सदा भगवते वास्तव संसार में भी लोग धन्य है बड़भाग्य ही जिन्हें इस प्रकार से देवी की कृपा से माँ के आशीर्वाद से इस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हुए धर्मानुकूल कर्म करते हुए इस माँ जगजन्य जगत माता की आराधना अर्चना पुण्य कर्म करने का सौभाग्य होता है। माँ भगवती की इसी तरह से भक्त कृपा बनी रहे और भगवती के चरणों की सेवा का सौभाग्य सदा सर्वदा आप भक्तों को प्राप्त होता रहे। इस परम पवित्र वेला में आप सभी भक्तों को और जो श्रद्धालु माँ वैष्णो देवी दरबार की आरती को देख रहे हैं उन श्रद्धालुओं को भी माँ वैष्णो देवी की ओर से भूरी भूरी आशीर्वाद। आयुष्मान भव संतते भाने भव श्रीमान सस्वे भव प्रज्ञा भाने भव भूर्भूत करणे दाने कनिष्ठो भव तेजस्वी भव बैर गर्भ दलने व्यापार दक्ष भव श्री शंबर पाद पंडित सर्वोपकारी भव मंत्रार्थ सफला संत पूर्ण संत मनोर्थ शत्रुनाम बुद्धिनाशोस्व मित्रणाम देश शरीर वर्चस्व आयुष्यमारोग्यमाविदात् श्रमाणम हीते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं सत्संवत्सरं दीर्घमायो अस्तु दीर्घमायो। माँ भगवती आप भक्तों की दीर्घायु करें आपको सुख समृद्धि प्रदान करें धन धन्य से सम्मानित करें सब ओर से आपका मंगल करें आपकी यात्रा को सार्थक कर बल सच्चे दरबार की जय। तभी माँ भगवती की आरती होगी आप सभी भक्तजन भक्ति भाव से माँ की आरती करेंगे सम्मिल कर बोलना ताली जाते हैं। ॐ जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करनी मैया जय आनंद करनी सुमत निषद न धावत मैया जिको निषद न धावत हरि ब्रह्मा शिव ॐ जय अम्बे गौरी को भैया की को मृगवन को ज्वल से दो नैना ज्वल से दो नैना चंद्र बदल गई ओम जय अम्बे मनक समान करे रक्षा कर राजे ओ मैया रक्षा बर राजे Oh,
पूर्ण करने वाली माता तेरी सदा, सबको सद्बुद्धि देने वाली माता तेरी सदा, सच्चे धर्मार की। तो बोलिए ओम, या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, बुद्धि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु, या देवी सर्वभूतेषु, शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्य नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्य नमो नमः नमस्तस्य नमो नमः दुर्गा माता की जय कृष्ण माता की जय लक्ष्मी माता की जय सरस्वती माता की जय सच्चे दरबार की जय तो परम पूज्य पुजारी जी माँ विभूति की पूजा करके आपके सामने इस गुफा द्वार पर आ गए हैं। इस पवित्र गुफा का पूजन करेंगे, अखंड ज्योति का पूजन होगा, उसके उपरांत माँ विभूति की आरती उतारी जाएगी। आरती आप सभक जनों के बीच में आएगी। शांति पूर्वक
अपने अपने स्थान पर बैठे बैठे आरती वंदना करना और मां भगवती से अपने कल्याण के लिए परिवार की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना करना। बोलो सच्चे दरबार की जय। ये प्रेम से बोलो प्रार्थना करेंगे समय पर बोलना देही सौभाग्य मारोग्यम देही सौभाग्य मारोग्यम देही में परमं सुखं देही में परमं सुखं रूपं देहि जयं देहि यशो देहि दशो देहि यशो देहि दशो देहि ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे भवन्त सुखिनः सर्वे सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चन दुःखभाग्भवे दुःखभाग्भवे शान्तिः 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 कार्यक्रम देखे सुने और मान्य मान मां भगवती का नाम स्मरण करें। आप परम पूज्य पुजारी जी आरती प्रारंभ करते हैं। आप सभी आरती का आनंद लीजिए और मां से प्रार्थना कीजिए मां भगवती आप सब भक्तों का मंगल करें। जय माता दी। कल्याण मायाड़ पहर तो
जकारा शेरवाली जी दा बोल रहे आपको सच बता अपनी जय सुनाई दी पूरे जोर से गज के अगर आपको आरती का आनंद आया तो आनंद आया ना फिर आनंद में तो कंट्रोल नहीं होता जय बोलने में
अब तो सभी ऐसे बैठे ठंडी ठंडी, अभी आपके सारे रास्ते खुल गए। आरती हो गई जिसका आपको इंतजार था, पहले आपको आरती का इंतजार था, था कि नहीं? कब आरती होगी, कब मां की झोली में बैठेंगे, उसके बाद कब आरती खत्म होगी, मां के पास जाएंगे। अब इंतजार की कड़ियां खत्म, अब आप होंगे, आपकी माता रानी होगी। आज बसंत पंचमी के दिन भगवती माता रानी जी के दरबार में आप सबको ढेर सारा आशीर्वाद। आज इस प्रार्थना के साथ कहते हैं, बसंत के बाद ऋतुएं चेंज होती हैं, हरियाली आती है, ताजे ताजे फूल होते हैं। इस प्रार्थना के साथ कि हम माँ, हम तो आपके फूल हैं, हम आपके बागों के फूल हैं, हमें भी ऐसे ही तरोताजा रखना, हर धूप छांव से बचाना, हम अपने आंगन को, अपने घर को, अपने देश को ऐसे ही ताजा रखें जैसे फूलों को देखते हुए ऐसे लगता है कि ये हमेशा ऐसे ही ताजे रहें। इस प्रार्थना के साथ कि जगत जननी माता रानी जी, हमारी जिंदगी भी आप अपने हाथों में ऐसे ही रखना, अपना वर्द हस्त हमेशा हम सब पर बना के रखना। आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारा आशीर्वाद। माता रानी जी आप सबकी मनोकामनाएं पूरी करें, आप सबकी झोलियां खुशियों से भरें, आप सबकी हाजिरियां कबूल करें। इसी आशीर्वाद के साथ माता रानी जी आप सबको अपने दरबार में जल्दी जल्दी बहुत सारी खुशियों के साथ फिर से बुलाएं। अभी सभी गज के बोलना पूरे जोर के साथ, देखिए कि क्या आपकी सर्दी दूर होती है, कोशिश तो कीजिए। आप जहां बगाएंगे सर्दी, पूरे देश से सर्दी गायब, आपकी जय मां से बोलने की, ऐसी जय मां की बोलिए कि वो ऐसे पूरे देश में आशीर्वाद लेके माता रानी जी से हर हमारे देश के कोने कोने में जगत जननी माता रानी जी की जयकारा गूंजे। बोलो सच्चे दरबार की जय। ऐसे चार्ज करना पड़ता है। बोलो सच्चे दरबार की जय। बोलो सच्चे दरबार की जय। आशीर्वाद, जय माता दी, जय माता।